जय शनिदेव मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और शनिदेव से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। अगस्त के महीने में शुक्रदेव, सूर्यदेव और मंगलदेव का बहुत ही महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है, जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आप अगले महीने अपना वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, जिससे आपको भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। हम इस वीडियो में सिर्फ वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा, सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, आपको किस रंग के वस्त्र किस दिन धारण करने से लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहाँ प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल अगस्त 2022 आपके लिए है। बाकी सभी लग्न के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। 1 से 6 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। वर्तमान समय में केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में है, राहु और मंगल का अंगारक दोष आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, गुरु स्वराशि होकर आपकी कुंडली के 5वें भाव में है, शनिदेव स्वराशि में आपकी कुंडली के 3रे भाव में है, शुक्रदेव और सूर्यदेव की युति आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है और बुधदेव आपकी कुंडली के कर्म भाव में है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, वर्तमान समय में राहु और मंगल का अंगारक दोष आपकी कुंडली के 6ठे भाव में है, जिसके कारण ये समय इस प्रकार के जातकों को अकस्मात लाभ दे सकता है, या हम कहें ये समय एक चमत्कारी समय रह सकता है उन जातकों के लिए जो जातक विदेश जाना चाहते हैं, जिन जातकों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य है, जो जातक विदेश में किसी प्रकार का कोई अवसर ढूंढ रहे हैं, किसी प्रकार की नौकरी ढूंढ रहे हैं, या हम कहें जो जातक विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो इस प्रकार के जातकों को यहाँ अत्यंत शुभ फल मिल सकते हैं। देखिए, यदि आप विदेश में किसी प्रकार का कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, विदेश में किसी प्रकार का आप अप डाउन करके किसी प्रकार के बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, तो इस प्रकार के जातकों को अत्यंत लाभ यहाँ पर मिल सकता है। ये समय आपको अत्यंत शुभ फल अपने दे सकता है। देखिए, वर्तमान समय में राहु और मंगल आपकी कुंडली के 6ठे भाव में हैं, तो जो जातक व्हीकल चलाते हैं, आप ड्राइविंग करते हैं, तो इस प्रकार के जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा। आप किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से स्वयं को दूर रखें, अन्यथा ये समय आपको मानसिक तनाव दे सकता है। किसी प्रकार के लीगल केस में आप फंस सकते हैं, किसी प्रकार की कानूनी समस्या में आप फंस सकते हैं। ये समय आपके वर्कलोड में भी अत्यधिक वृद्धि कर सकता है, जिसके कारण आपको अपने वर्क लाइफ को बैलेंस करने में भी समस्या आ सकती है। देखिए, इसका आपके पारिवारिक जीवन पर और आपके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम अपने आगे के सेक्शंस में चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में सूर्यदेव और शुक्रदेव आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है। देखिए, ये समय आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके कार्य संबंधित यदि कोई तनाव आपके भाग्य को लेकर बना हुआ था, मान लीजिए किसी प्रकार की अड़चने आपके भाग्य संबंधित आपके कार्य में आ रही थी, तो वो यहाँ पर दूर होती दिखाई देंगी। आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपकी यात्राएं आपके कार्य में बढ़ सकती हैं। जो जातक अपने छोटे भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, किसी प्रकार का कार्य कर रहे हैं, उनके बिजनेस में आगे विस्तार होता दिखाई देगा। यदि पिछले कुछ समय से किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू यदि आपने दिया था और वहाँ से विलंब हो रहा था, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, आपके बिजनेस में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थी, तो ये समय और आने वाले समय में आपको कुछ अच्छे अवसर प्रदान होते दिखाई देंगे, आपको कुछ अच्छे अवसर मिलेंगे। वर्तमान समय में बुधदेव आपकी कुंडली के कर्म भाव में है और बुधदेव आपकी कुंडली के 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई तनाव आपको अपने कार्य स्थान पर देखने को मिल सकता है। ये तनाव आपके मित्रों के साथ कहें या आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉसेस के साथ किसी प्रकार का कोई मनमुटाव, किसी प्रकार का कोई तनाव यहाँ पर बढ़ सकता है। थोड़ा सतर्क रहें, यहाँ पर आपको किसी प्रकार का निर्णय द्वेष में आकर जल्दबाजी में आकर नहीं लेना, अन्यथा आपको आने वाले समय में मानसिक परेशानी का सामना करना
पड़ सकता है। वर्तमान समय में गुरु स्वराशि होकर आप ही कुंडली के पंचम भाव में है और गुरु आप ही कुंडली के पंचमेश हैं, जिसके कारण ये समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी समय रहेगा। आपके जो मानसिक तनाव है, पिछले कुछ महीनों में जो तनाव बढ़ गया था, वो यहाँ धीरे धीरे कम होता दिखाई देगा। आपके मस्तिष्क में स्थिरता का भाव उत्पन्न होता दिखाई देगा। आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपके सोचने समझने की क्षमता में विकास होगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता में विकास होगा। यदि पिछले कुछ वर्षों से आपकी मेहनत अनुसार जो लाभ आपको मिलना चाहिए उसमें कमी आ रही थी, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको आपकी मेहनत का लाभ मिलता दिखाई देगा। आपका कार्य आगे बढ़ेगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए बड़ा बिजनेस है या छोटा बिजनेस है, तो उसमें भी आपको वृद्धि होने की संभावना यहाँ बहुत प्रबल है। वर्तमान समय में शनिदेव वक्री अवस्था में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में शनिदेव सकारात्मक फल अपने देते हैं और यहाँ पर शनिदेव अपने ही राशि में अर्थात मकर राशि में है। देखिए, ये समय और आने वाले 6 महीने आपके लिए अत्यंत इम्पॉर्टेंट रहेंगे, अत्यंत शुभ रह सकते हैं। कुछ अच्छे अवसर आपको आने वाले 6 महीनों में मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। आने वाले 6 महीने में आपने अधिक से अधिक मेहनत करनी है, जिससे शनिदेव का अगला गोचर जो जनवरी के महीने में है, जो आपके कुंडली के चौथे भाव में होगा और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में होगा, तो आपको अपने मेहनत के फल अवश्य मिलते दिखाई देंगे। देखिए, ये गोचर आप लोगों के जीवन में 30 वर्ष पश्चात आया है, तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, तो शनिदेव आपको आपकी पिछले कई वर्षों का मेहनत का फल आने वाले वर्षों में देंगे। ये आपको बहुत ही शुभ फल आने वाले समय में देते दिखाई देंगे। देखिए, शनिदेव एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो कुंडली में राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने में आपकी सहायता करते हैं, आपका सहयोग करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी राहु और केतु के नकारात्मक प्रभावों से आप परेशान थे, उसके कारण आपके कार्य नहीं बन रहे थे, तो ये समझिए कि आने वाले समय आपका होगा। आने वाले समय में शनिदेव आपके रुके हुए कार्य उन्हें प्रारंभ करेंगे। शनिदेव आपको बहुत ही सकारात्मक फल आने वाले वर्षों में प्रदान करेंगे। 7 से 15 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं, वर्तमान समय में मंगलदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में होगा। देखिए, आपकी कुंडली के लगन भाव के स्वामी मंगल हैं और इस समय आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। जो जातक पार्टनरशिप बिजनेस में है, उस प्रकार के जातकों को थोड़ा सतर्क रहना होगा, थोड़ा सावधान रहना होगा। यहाँ पर आपके पार्टनर्स के साथ तनाव में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। आप किसी भी प्रकार का कोई बड़ा निर्णय अपने पार्टनर्स के साथ जल्दबाजी में ना लें, आपके लिए उचित रहेगा। जो जातक किसी प्रकार का कोई फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस चला रहे हैं, उन्हें भी यहाँ थोड़ा सतर्क रहना होगा। आपके आपसी मतभेद आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी फैमिली बिजनेस में बढ़ सकते हैं। मंगलदेव का सप्तम भाव में होना, इसका आपके पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम अपने आगे के सेक्शंस में चर्चा करेंगे। 16 से 31 अगस्त तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं, इस समय में सूर्यदेव और शुक्रदेव का गोचर आपकी कुंडली के कर्म भाव में होगा और बुधदेव स्वराशि में आपकी कुंडली के लाभ भाव में होंगे। देखिए, ये समय आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय रह सकता है, क्योंकि ये समय 4 ग्रह आपकी कुंडली के स्वराशि में है, अर्थात शनिदेव स्वराशि में आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, गुरु पंचमेश होकर आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि में है और सूर्यदेव आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली के कर्म भाव में है और बुधदेव आपकी कुंडली के लाभ भाव के स्वामी होकर आपकी कुंडली के लाभ भाव में है। तो जो जातक किसी प्रकार के बिजनेस में है, किसी प्रकार की नौकरी में है, तो आप ये समझिए कि ये समय आपकी मेहनत के जो फल आपको नहीं मिल रहे थे, वो फल आपको मिलने प्रारंभ होंगे। जो जातक किसी प्रकार के मीडिया से संबंध रखते हैं, जो जातक वॉइस रिलेटेड कार्यों से संबंध रखते हैं, इस प्रकार के जातकों को यहाँ पर अत्यंत लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। देखिए, यदि आप सरकारी नौकरी में हैं, या हम कहें आप सरकारी नौकरी के लिए पिछले कुछ वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे और उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही थी, तो ये वो समय रहेगा जब आपको सकारात्मक फल आपके मिलने प्रारंभ होंगे। ये समय यदि आपका कोई सरकारी नौकरी को लेकर कोई परिणाम आना है, तो उसमें भी आपको अच्छे फल यहाँ देखने को मिल सकते हैं। सरकारी नौकरी में यदि आप हैं और किसी प्रकार का कोई तनाव पिछले कुछ महीनों से बना हुआ था, तो वो यहाँ दूर होता
दिखाई देगा। ये समय यदि आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं या आप कोई मकान में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के कार्यों में भी ये समय आपको सकारात्मक फल अपने दे सकता है। यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे थे पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ वर्षों से और आपको उसमें उतना लाभ नहीं मिल रहा था, तो उसमें भी यहाँ पर आपको लाभ मिलता दिखाई देगा। आपका बिजनेस में विस्तार होने की संभावना बहुत प्रबल है। तो यदि आप एक कैरियर संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए 1 से 6 अगस्त तक का समय इस प्रकार के जातकों को थोड़ा सावधान रहना होगा, जिन्हें नसों से संबंधित और रीढ़ की हड्डी से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है। यदि आपको पिछले कुछ वर्षों से मान लीजिए नसों में दर्द रहता था और अब आपकी एज थोड़ी 45 प्लस है या हम कहें 50 प्लस है या 40 प्लस है, तो आपको अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। आप इस समय और आने वाले महीनों में फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करें। आप यदि कुर्सी पर बैठते हैं, मान लीजिए आपका कार्य इस प्रकार का है कि आपको 8 घंटे 10 घंटे चेयर पर ही बैठना पड़ता है, तो आप अपने पोस्चर पर विशेष ध्यान रखें, आप फिजिकल एक्सरसाइज अवश्य करें, अन्यथा आने वाले महीनों में आपको तनाव देखना पड़ सकता है, आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया, यदि आप कोई ड्राइविंग करते हैं, आप व्हीकल चलाते हैं, जिम जाते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें, अन्यथा ये समय आपको किसी प्रकार की छोटी मोटी चोट लगने की संभावना भी यहाँ पर बन सकती है। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए 1 से 8 अगस्त तक का समय आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, आपको आपके फाइनेंस को मैनेज करने में थोड़ा तनाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का आपने फजूल खर्चा कहें या फालतू खर्चा आपने इस समय नहीं करना, अन्यथा आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। 8 अगस्त के बाद का समय आपके खर्चों में कमी आती दिखाई देगी, आपके सेविंग्स में वृद्धि होने की संभावना बनती है। यदि आपका किसी प्रकार का लोन कोई चल रहा है तो आप वो आसानी से लौटा पाने में सक्षम रहेंगे। 9 से 11 अगस्त और 25 से 27 अगस्त के बीच आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। ये लाभ आपको पिछले किसी निवेश के द्वारा भी प्राप्त होने की संभावनाएं बनती है। तो ये था आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं वो 3 से 7 अगस्त और 23 से 25 अगस्त के बीच किसी प्रकार के प्रेम संबंध में, अर्थात आप किसी प्रकार के रिलेशनशिप में यहाँ पढ़ सकते हैं। देखिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 8 अगस्त के बाद का समय उतना सकारात्मक समय नहीं है। आपका तनाव आपके रिलेशनशिप में बढ़ सकता है, आपको छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध आ सकता है, आपके व्यवहार में थोड़ा बदलाव होने की संभावना भी यहाँ बनती है। आप थोड़ा संयम रखें, अन्यथा ये समय आपके रिलेशनशिप में तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो ये था आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। यदि पिछले कुछ महीनों से आपके बच्चों के साथ किसी प्रकार का कोई तनाव बना हुआ था, तो आने वाले समय में वो तनाव कम होने की संभावना प्रबल है। आपके बच्चों के साथ रिश्तों में मधुरता आती दिखाई देगी। यदि आपके छोटे भाई बहनों के साथ तनाव बना हुआ था, तो उसमें भी आपको 15 अगस्त के बाद का समय सकारात्मक समय रहेगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ जो तनाव बना हुआ था उसमें कमी आती दिखाई देगी। 10 अगस्त के बाद का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए उतना सकारात्मक समय नहीं है, आपका तनाव आपके वैवाहिक जीवन को लेकर बढ़ सकता है, आप थोड़ा संयम रखें, अन्यथा ये समय और आने वाला समय आपके वैवाहिक जीवन में तनाव अत्यधिक उत्पन्न कर सकता है, थोड़ा सतर्क रहें। आपको क्या उपाय करने हैं, मैंने उपाय सेक्शन में बताए हैं, आप वो अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। तो ये था आपके फैमिली संबंधित अगस्त का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको लाभ हो सकता है और किस दिन किस रंग के वस्त्र आपको धारण नहीं करने हैं। 1 से 8 अगस्त तक का समय आप हरे रंग के वस्त्र और लाल रंग के वस्त्रों से स्वयं को दूर रखें, ना धारण करें। यदि आप पीले रंग के वस्त्र अगस्त के महीने में धारण करते हैं तो आपके लिए उचित रहेंगे, आपको शुभ फल ये दे सकते हैं। आप गहरे नीले रंग के वस्त्र भी धारण कर सकते हैं इस महीने में। यदि आप 8 से 10 अगस्त और 23 से 25 अगस्त को
सफेद वस्त्र धारण करते हैं तो ये आपके मन में एक शांति की अनुभूति प्रदान करेंगे, ये आपके लिए सकारात्मक फल दे सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप 13 अगस्त को शाम 6:45 के बाद एक नारियल और एक नीले रंग का फूल बहते जल में अवश्य प्रवाहित करें। आप 27 अगस्त को प्रातः 5:45 से शाम 6:50 के बीच भैरव जी के मंदिर में तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्रों का दान अवश्य करें। आप 25 अगस्त को प्रातः 5:55 से शाम 6:35 के बीच एक काले रंग का कपड़ा, तिल का तेल और काली उड़द की दाल किसी गरीब को दान अवश्य करें। देखिए, इन तिथियों का और इस समय का विशेष ध्यान रखें, ये दान आपके लिए अत्यंत लाभकारी दान रह सकते हैं। आप प्रत्येक शनिवार को 5 रुपये अथवा 10 रुपये के सिक्के का दान किसी मंदिर में अथवा किसी गरीब को करें। आपने सिक्के का दान करना है, कागज के नोट का दान नहीं करना। आप रोज सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथवा मछलियों को भोजन अवश्य करवाएं। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 9 अगस्त और 24 अगस्त को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्योदय होने से पूर्व उठें, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह आदि में जो भी अड़चने आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें अगस्त के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अगस्त 2022 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।